भगत सिंह जी का प्राण का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये ना होगा, ये ना होगा, ये ना होगा, ये ना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदुस्तान मातम, मातम, नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। देखिए मेरे हाथ में जो कटआउट है, देख लीजिए, राष्ट्रीय युवक शक्ति के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, हम लोग कितने सम्मान के साथ मात्र 25-30 नौजवान उस प्रतिमा को सम्मान पूर्वक उतार के हम लोग खड़ा करते हैं, और जिला प्रशासन को 3 घंटे का कम स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो क्रेन से उस प्रतिमा को उठा के गाड़ी में लेके जाया पड़ता है। और वो किस तरह का प्रतिमा का अपमान हुआ है, जब 1931 में शहीद आजम भगत सिंह को एक दिन पूर्व अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह हिंदुस्तान भारत में शहीद आजम भगत सिंह को किस तरह राजधानी रांची में यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो अपमानित करने का काम किया है, वो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, आज से हम लोग आंदोलन का आगाज किए हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को सम्मान पूर्वक स्थान नहीं मिलता है, और जो उनके साथ जो अपमान किए हैं, जो लोग भी दोषी हैं, वो माफी मांगे और प्रतिमा को स्थान दे। आज संकेत गए, शांतिपूर्ण धरना है, प्रदर्शन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, कल के बाद हम लोग फिर आंदोलन तय करेंगे। और प्रशासन को मानना होगा, क्योंकि यूथ अपना एक भगत सिंह को मानता है, और भगत सिंह को जिस तरह अपमानित करने का काम किया है, ये कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 92 साल में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की प्रतिमा राजधानी में स्थापित नहीं हो पाई, रांची के नौजवानों ने, रांची के लोगों ने भगत सिंह का प्रतिमा पिछले हम एक साल से कह रहे थे कि भारत का सबसे बड़ा प्रतिमा होगा, पिछले 2.5 महीने से वहाँ कार्य चल रहा था, प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब हजार तरह का बहाना बना रहे हैं। अगर आपको कुछ लोग प्रशासन का कहना है कि महात्मा गांधी का प्रतिमा छोटा हो जा रहा था, भगत सिंह का बड़ा हो रहा, तो भाई हम लोग को दे दीजिए, महात्मा गांधी का भी प्रतिमा हम लोग बड़ा कर देंगे। हम लोग महात्मा गांधी को भी सम्मान करते हैं, और भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते में हम लोग चलते हैं। इसलिए भगत सिंह का अपमान राष्ट्रीय हो सकती पूरे देश की जनता नहीं सहेगी। आज ये संकेत यहाँ आपको धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नहीं कर सकते हैं। जिस बोर्ड की बैठक में रांची के उप मेयर जो पार्षद प्रस्ताव को लाए थे, वार्ड 27 के पार्षद है ओम प्रकाश, आप लोग जाइए ओम प्रकाश जी से पूछिए, आप जाइए वार्ड 28 की पार्षद रश्मि से पूछिए, वार्ड 30 की पार्षद रश्मि से रीमा से पूछिए, और भी सभी पार्षद से पूछिए, उन लोग बताएगा क्या हुआ। 16 सितंबर को पास हुआ, 13 अक्टूबर को फिर से रांची नगर निगम की टीम उप महापौर और हम लोग गए, स्थान चिन्हित हुआ, उसके बाद 8 फरवरी को फिर से बोर्ड की बैठक में आती है, सर्वसम्मति से पास होता है, उसके बाद ये नौटंकी है, ये सब बहानाबाजी है। हम लोग अभी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को प्रशासन मजबूर नहीं करे, हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बात होंगे। जब प्रतिमा जब पहुंच